हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL रावत भाटा राजस्थान साइड द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है डेटेड 24 जनवरी 2024 फॉर वैकेंसीज टू वेरियस पोस्ट। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है वो देख लीजिए, 14 फरवरी 2024। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, 53। डिसिप्लिन क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग PSC फिजिक्स। एंड इवन पोस्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबिलिटी है अंडर द वेरियस कॉलम आप देख सकते हैं, इवन इन दोज पर्सन कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए आफ्टर क्लास 12, आफ्टर प्लस 2। या फिर अगर ये नहीं है देन 2 इयर्स डिप्लोमा थ्रू लैटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर 12 अप्रूव्ड बाई AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर लैटरल एंट्री है सेकेंड ईयर में डायरेक्टली, तो इवन इन दैट केस द पर्सन इज एलिजिबल फॉर Category 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट। शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए अप टू HSC लेवल। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देख लेना है, कैंडिडेट हु हैव परस्यू डिप्लोमा थ्रू लैटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10, अगर 10 के बाद उन्होंने लैटरल एंट्री लिया है तो, या फिर ITI है, दे आर नॉट एलिजिबल। 12 के बाद आपने लैटरल एंट्री किया है तो दे आर एलिजिबल, 10 के बाद किया है तो नॉट एलिजिबल। एंड Category 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग अगर साइंस ग्रेजुएट के लिए किया है, BSc with a minimum of 60% marks, 60% marks होना चाहिए BSc में, with physics as a principal subject and chemistry, maths, statistics, electronics and computer science as other subject, या फिर physics, chemistry, maths as a subject with equal weightage, वहाँ पे भी eligibility है। English होना चाहिए one of the main subject in class HSC. Candidate having mathematics as a principal subject at BSc are not eligible. अगर principal subject mathematics है तो eligibility नहीं है। Height and weight यहाँ पे ये भी देखना है, minimum height is 160 centimeter and minimum weight is 45.5 kg. However, यहाँ पे note आ रहा है essential physical standard is relaxable if candidate otherwise medically fit. अगर candidate medically fit है तो इसे relax भी किया जा सकता है। Monthly volume, अभी से payment कितना है इस post के लिए वो देख लीजिए। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग कितना होगा, 24,000 पर मंथ। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इट विल बी 26,000 पर मंथ। एंड बुक अलायंस वन टाइम ग्रांट मिलेगा ईयरली 3,000। एंड आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाता है द ट्रेनिंग आर लाइकली टू बी कंसिडर टू अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी। तो उन्हें साइंटिफिक असिस्टेंट बी के पोस्ट दिया जा सकता है in a pay of 35,400 in level 6 के pay पे उन्हें दिया जाएगा। additional increment as per the rules, as per the extended government rules उन्हें जो increment भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे total pay उनका हो जाएगा after DA 51,684 and other perks भी है उनके पास, other allowances भी है, allowances, transport allowance, LTC, HRA and other allowances are also admissible. Then age limit क्या है, 18 to 25, 18 से कम ना होना नहीं चाहिए, 25 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। रिलैक्सेशन भी है इन अपर एज लिमिट, क्या रिलैक्सेशन है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 इयर्स, OBC कैटेगरी नॉन क्रिमिनल 3 इयर्स, अदर एंड देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स, पर्सन विद ST SC विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 15 इयर्स, प्रोवाइडेड द एज शुड नॉट एक्सीड 56 इयर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू द पोस्ट। And if a person is already working in NPCIL, there is no age limit for them. Place of posting क्या है? Initially रावत भाटा राजस्थान ही रहेगा, but they will be liable for transfer to other sites as well. Period of training कितना है? Period of training is given 1.5 year, that is 18 months. Bond execute करना है, अगर selection हो जाता तो एक bond sign करना पड़ेगा। वो bond क्या है? Candidate selected for Category 1 stipendary training will have to execute a bond. एक bond sign करेंगे prior to induction. Training से पहले करना पड़ेगा। सर्विस बॉन्ड कितना है, फॉर सर्विंग इन NPCIL फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स एंड 6 मंथ, 4 इयर्स एंड 6 मंथ आपको काम करना ही पड़ेगा ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले। और बॉन्ड कितने का है, गारंटी कितने का है, इट्स 4,47,000। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, रिटन एग्जामिनेशन है प्लस पर्सनल इंटरव्यू है। रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा।
एंड OMR बेस्ड एग्जाम है. अ कैंडिडेट हैव्स टू क्वालिफाई एट ईच स्टेज, उनको हर एक स्टेज में क्वालिफाई करना होगा. द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 1.5 आवर, दैट इज 90 मिनट्स, विच कंप्राइज ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स विल इन द फॉलोइंग पोर्शन. अब वो कैसा रहेगा, इस तरीके से रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन दिया है उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे. स्टैंडर्ड वुड बी डिप्लोमा बेस्ड. And then again, for physics category, standard would be BSc grade. Qualifying standard क्या है? And then marking कैसे है? 2 marks will be awarded for each correct answer. 0.5 will be deducted for each incorrect answer. And then the qualifying standard would be for general category, it will be 40 marks and above. And for reserve category, it will be 30 marks and above. रिजल्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन कहाँ से आपको दिखेगा? NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगा, www.npclcareers.co.in. वेट लिस्ट. अब वेट लिस्ट कैंडिडेट के लिए क्या लिखा है? द वेट लिस्ट कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट एज इन द सेलेक्ट मेन लिस्ट. सेलेक्ट मेन लिस्ट में जितने कैंडिडेट रहेंगे वेट लिस्ट में भी उतने ही रहेंगे. शैल बी प्रिपेयर्ड एंड ऑपरेटेड ओनली इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी कॉज बाय नॉन ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द सेलेक्ट लिस्ट. अगर सेलेक्ट लिस्ट से ज्वाइन नहीं करेंगे तो वेट लिस्ट से किया जाएगा. वेरीफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई किया जाएगा. लैंग्वेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू क्या है? एप्लीकेशन एप्लीकेंट अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू विल हैव अ चॉइस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन. या तो वो हिंदी या इंग्लिश वो चूज कर सकते हैं. एंड देन एनी वन लैंग्वेज वुड बी सेलेक्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू. अप्लाई कैसे कर सकते हैं? उन्हें वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा npclcareers.co.in और वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं. द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन विल कमेंस फ्रॉम 24 जनवरी से कमेंस होगा एंड 14 फेब तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन फी कितना है? दैट इज 150 रुपीज. और यहाँ क्या लिखा है? ओनली मेल एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट एज अंडर टुवर्ड्स एप्लीकेशन फी विद द एप्लीकेबल बैंक चार्जेस यूजिंग स्टेट बैंक कलेक्ट लिंक प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो 150 यहाँ पे एप्लीकेशन फी है फॉर मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल EWS और OBC कैटेगरी. और यहाँ पे अगर कोई आपको इश्यू है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है. क्वारीज में भी सबमिटेड अंडर कॉन्टैक्ट अस लिंक इन द वेबसाइट. या फिर आप 24 जनवरी से 14 फेब तक 10 बजे से लेके 1 बजे तक इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं. सो इंश्योर करें कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन NPCIL जॉब्स देन गो अहेड फिल द फॉर्म. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.